दोस्तों, आपने डिफरेंशिएशंस का फर्स्ट पार्ट देखा था, जिसमें एक बेसिक फार्मूला था। अगर मैं आपको याद दिला दूं तो बहुत सिंपल था। कहीं भी लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर एन, ये बराबर एन टी एन माइनस वन, और इसी से आपने सारे काम कर लिए थे अपने, एम आई राइट? लेकिन इससे काम नहीं बनेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे आज आप सीखेंगे चार फंक्शन, जिसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिकल है और एक एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक है। आइए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, और हम एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लेते हैं साइन टी को, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काम मिलेगा। इसी तरह आप डी वाई डी टी ऑफ कॉस टी, दोनों पैरेलल में सीखिएगा, क्योंकि जो भी आप सर्कुलर मोशन में आएंगे, चाहे आप अर्थमेटिक सर्कुलर मोशन में आए, चाहे अल्टरनेटिंग करंट में आए, इनसे आपको वास्ता पड़ेगा। आप जानते हैं साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी होता है। इसी तरह आपको याद रखना है डी वाई डी टी ऑफ कॉस टी इज इक्वल टू माइनस साइन टी। यहां जिंदगी इतनी आसान नहीं है, इसीलिए आपने देखा होगा हमने ब्लैक बोर्ड पे जगह बना ली। अगर मान लीजिए आप अल्टरनेटिंग करंट में आए, तो ओमेगा आपको एंगुलर वेलोसिटी मिलती है। इस फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप? तो जाहिर सी बात है आपके लिए समस्या आ जाएगी। इसी तरह अगर आपको मिल गया, क्या मिल गया आपको, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, तब आप क्या करेंगे? तो ऐसे हाल में आप कहेंगे कि सर ये क्या हो गया? हम कहेंगे बेटा इसको भी सीख लो। इसको ऐसे करते हैं, जैसे साइन ओमेगा टी है, तो जाहिर सी बात साइन का कॉस होता है, तो आप कॉस ओमेगा टी तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि टी के साथ कुछ एक्स्ट्रा लगा है, तो उसको भी तो डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है उसको आपने कर दिया। आप अच्छी तरह जानते हैं, क्या जानते हैं, कि कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है तो बाहर आ जाएगा, बाकी चीज आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और डी वाई डी टी ऑफ टी वन होता है, तो आपने कहा कि सर ये हो गया ओमेगा कॉस ओमेगा टी। आप कह सकते हैं सर इसमें आपने एक नया मेथड बताया, इसमें नहीं अप्लाई किया, कर सकते थे, क्योंकि जब आप डी बाई डी टी ऑफ दिस क्वांटिटी यानी केवल टी करने जाते हैं वो वन होता है, इसलिए मैंने आपको वहां पे परेशान नहीं किया था। इसी तरह आइए अगर आपको कहें डी वाई डी टी ऑफ साइन टू टी, तो क्या होगा, कैसे करेंगे? एक मिनट के अंदर, बहुत आधा सेकंड, 15 सेकंड। साइन ओमेगा टी की जगह आप क्या लिख सकते हैं? कॉस, साइन टू टी है तो कॉस टी हो जाएगा बेटा, और डिफरेंशिएशन ऑफ टू टी कितना होता है? 2 होगा। ठीक, जिन्होंने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो देख लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एम राइट? अगर मान लीजिए हम कहें डी वाई डी टी ऑफ साइन ए टी, ए आपका कांस्टेंट है, टी आपका वेरिएबल है जिसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन का कॉस ए टी इंटू डी वाई डी टी ऑफ दिस क्वांटिटी कितना मिलेगा आपको? ए मिलेगा। क्लियर हो गया? आइए चलते हैं, इनके पास रंग बिरंगे पेन रखें, उसको यूज किया जाए। फोटो को बंद कर लें अपनी, और ऐसे सूरत हाल में आप कह सकते हैं कि भाई कॉस ओमेगा टी कितना होगा। तो जहां तक कॉस ओमेगा टी की बात है, आप जानते हैं ये बराबर होगा, माइनस तो लगेगा ही, साइन ओमेगा टी होगा इंटू डी बाई डी टी ऑफ दिस क्वांटिटी। काम बन गया आपका। आप जानते हैं इधर भी देखा था आपने, सीखा था ओमेगा कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन में बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी हो जाएगा, और ये वन होता है, तो आप कह सकते हैं कि माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, एम आई राइट? आइए इसी में हम प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते हैं, और आपसे कहें कि सर अगर आपको कॉस टू टी होता तब क्या होता? तो आप कहते हैं माइनस तो लगता ही, कॉस का होगा साइन, तो साइन टू टी हो ही गया, इंटू डी बाई डी टी ऑफ दिस क्वांटिटी,
डी बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ कौन सी क्वांटिटी, ये क्वांटिटी 2t। काम बन गया आपका। आपने कहा सर कॉस 2t को हम लिख सकते हैं माइनस साइन 2t, और डी वाई डी टी ऑफ टू क्वांटिटी टू बाहर आ जाएगा, डी वाई डी टी वन हो जाएगा, उसको हम पहले लिखा। यहां पे भी यही काम किया था, कॉस को कर लिया था साइन टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ दिस क्वांटिटी, डी वाई डी टी ऑफ टी वन होता इसलिए आपने साइन टी लिख के काम चला लिया था। तो दोस्तों कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, हमने जो ये बेसिक फार्मूला बताया है ये बहुत काम का है। एम ए राइट, डी वाई डी टी ऑफ टी की पावर एन बराबर एन टी एन माइनस वन, और आपको अभी अभी सिखाया है साइन को डिफ्रेंशिएट करना फंक्शन को और कॉस को डिफ्रेंशिएट करना सिखाया है, इतना पर्याप्त होता है। दो और सीख लीजिए आपका काम पूरा तमाम हो जाएगा। वो है आपका तीसरा है डी वाई डी टी ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर टी, और चौथा आपको ध्यान में रखना है डी वाई डी टी ऑफ लॉग ई टी। एम राइट, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा रंग बदल लिया जाए, इतने सारे पेन दिख रहे हैं, ग्रीन ले लेते हैं। ई की पावर टी का ई टी ही होता है, और लॉग नेचुरल लॉग ई है, वन अपॉन टी टी होता है। आप देख रहे होंगे हमने अपने व्हाइट बोर्ड पे इतनी जगह रख रखी है, इसी दिन के लिए रख रखी है कि डी वाई डी टी, ये हम अपनी फोटो ला रहे थे, कोई बात नहीं, हमारा भी अब हाथ सेट हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डी वाई डी टी ऑफ ई की पावर मान लीजिए 4t होता तब क्या होता। आप कहते सर कुछ नहीं, अभी अभी आपने सिखाया है et का इतना होता है तो 4t होगा, 4t होगा इंटू डी बाई डी टी ऑफ दिस क्वांटिटी। हकीकत में यही चीज हम लोग ने यहाँ पे भी की थी, यही चीज की थी डी बाई डी टी ऑफ दिस क्वांटिटी, क्योंकि वो वन हो रहा था तो हमने कहा क्यों आपको परेशान करें, उसी से काम चल जाए, क्योंकि नीट के लिए है, बायोलॉजी है, वैसे ही आप कक्षा 10 के बाद मैथ्स नहीं पढ़े हैं। आप जानते हैं 40, 4 कॉमन होगा, डी वाई डी टी 1 हो जाएगा, यानी 4 ई की पावर 40। आइए अगर कहीं आपके पास डी वाई डी टी आप ई की पावर माइनस बी टी होता तो क्या करते हैं आप, 2 मिनट में कर देते ई की पावर माइनस 40 इंटू डी वाई डी टी ऑफ दिस क्वांटिटी। आपको सिखा रहे हैं लेकिन वहां आप प्रैक्टिस में रहिएगा, मन में कीजिएगा। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, एक स्टेप और ले रहा हूं क्योंकि पता नहीं कहाँ कहाँ से बच्चे हो, माइनस बी बाहर आ जाएगा और डी बाई डी टी ऑफ दिस क्वांटिटी ये 1 होता है तो आपका आंसर हो गया माइनस बी ई माइनस बी टी। क्लियर बेटा, तीसरा भी क्लियर हो गया। तो आपने अभी तक देखा क्या देखा, साइन फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना सीखा बेटा आपने। एम ए राइट, साइन का क्या होता है बेटा, कॉस टी होता है, कॉस टी को आपने डिफ्रेंशिएट करना सीखा क्या होता है, माइनस साइन टी होता है। एम ए राइट, और ई टी को करना सीखा वो ई टी होता है, लॉगरिथमिक को भी सीखा जो कि आपका क्या होता है, 1/t होता है। आइए चलते हैं आगे और लॉग फंक्शन के आगे पहुंचते हैं। ये क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका डी वाई डी टी ऑफ, अगर मान लीजिए लॉग 2t होता तब क्या होता, आप कहते कुछ नहीं होता, 1/2t इंटू डी वाई डी टी ऑफ दिस क्वांटिटी। दोस्तों ये सब अनुभव से निकाला है हमने, किताबों में नहीं मिलता है। ये हो गया 2t, तो इसको करोगे 2 बाहर आ जाएगा, इंटू डी वाई डी टी आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और आप कहेंगे कि सर 2t इंटू 2 ये बड़ा अच्छा आदमी है, चाहे कैसा भी हो हमेशा 1/t ही रहेगा। यानी कि अगर आप कहें, क्या कहें, कि अगर हमें डी वाई डी टी ऑफ डी बाई डी टी ऑफ डी बाई डी टी ऑफ
लॉग नेचुरल 40 करना है तो उत्तर क्या मिलेगा? 1/T ही मिलेगा। क्यों मिलेगा आप जानते हैं? क्या जानते हैं आप? जानते हैं कि साहब इसका हो गया 1/40 इंटू dy/dt ऑफ दिस क्वांटिटी, और ये बराबर होती है 4 के, यानी 1/40 इंटू 4 कट के आपका क्या हो गया 1/T। तो दोस्तों इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, लेकिन इस ये महत्वपूर्ण लेक्चर था जिसमें आपने चार फंक्शन, एक नेचुरल लॉग टी, एक एक्सपोनेंशियल टी, एक कॉस का देखा माइनस साइन टी और साइन का माइनस कॉस टी, इसमें क्या क्या पॉसिबल कंडीशंस आ सकती हैं वो भी आप सब लोग ने देख ली हैं। तो हमें उम्मीद है कि इतना सीखने के बाद एक लेक्चर आप थोड़ा सा 5 मिनट का और लूँगा, उसके बाद आपको कोई कष्ट नहीं होगा डिफरेंशिएशन करने में। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।